उससे बचे ना और फिर वो गुनाह करते ही जाएं तो वो दुआ कबूल नहीं होगी। ऐसी कोई सवाल नहीं है दुनिया के अंदर जिसका जवाब कुरान में ना हो। वो अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया कि हर की दुआ को कबूल करे। तो अल्लाह का कानून है, उस पर अमल नहीं कर रहे आप। जो बताया कि तुमको ये कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे मांगना पड़ेगा, तुम्हें मेरी किताब पर यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आखिरी अथॉरिटी, आखिरी फैसला तुमको कुरान से को सौंपना होगा और इससे तुमको जवाब तलब करना होगा, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हाथ उठा रहे अल्लाह से कि अल्लाह तू सुन ले, तू सुन ले। तो दर्द उसके अंदर है तो वो खुद दुआ करे अल्लाह से, दूसरे से कहने से क्या होगा? वैसे दर्द से थोड़ी दूसरा उसकी दुआ मांग सकता है। उसके था अच्छा, तंदुरुस्त था, दब नहीं पड़ रहा था, बीमार हो गया तो फिर वो जो टेके टेके भी पड़ रहा, बैठ के पड़ रहा, लेट के पड़ रहा, एक अब मुसीबत के अंदर है। लेकिन जब ठीक हो जाता है वो, फिर जब गुजरता है मस्जिद के सामने से तो फिर अजान भी सुनी नहीं देती। और अल्लाह ने तो कहा भी कि कुरान जिसके जरिए से हम लोगों को उठाते हैं, और जिसको छोड़ देते तो हम उसको भी छोड़ देते, वो फिर गिर भी जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ इस हफ्ते वाले दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह आपके बहुत करीब है, इस उनवान के ताल्लुक से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। कुरान के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 186 में ये अल्लाह ने फरमाया, तो ऐजा साला का इबादी अन्नी फ़ानी करीब, और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो उनसे कह दो कि मैं नज़दीक हूँ, उनके करीब हूँ, और हर दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ और कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। तो फिर उसे भी चाहिए कि मेरी फरमा बरदारी इख्तियार करे और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। अब आम तौर पर सभी तकरीबन कुरान के अंदर इसका तर्जुमा कि उजीबू का तर्जुमा ये होता है कि कबूल, ये कबूल करता है। हालांकि उजीबू का तर्जुमा ये नहीं होता, ये खुद कबूल जो है ये खुद अरबी में है, अरबी लफ्ज़ है। तो अब ये अगर ट्रांसलेट करेंगे किसी चीज़ को, तर्जुमा करेंगे तो उसका वो उर्दू कर रहे हैं तो उर्दू में आएगा, हिंदी करेंगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में जाएगा, लेकिन तर्जुमा करते हुए उसको अरबी से अरबी में तर्जुमा ये नहीं होता। और उजीबू का मतलब ये होता भी नहीं, उजीबू का मतलब होता है जवाब देना। तो यहाँ कबूल इसके अंदर तकरीबन सभी में आता है, कुछ ही कुछ ने उसमें लिखा भी है कि उसका मतलब जवाब देना होता है। तो लफ्ज़ी माना है कि जवाब देना, तो असल है उसका कि मैं जवाब देता हूँ, कि जब भी लोग मुझे पुकारें तो मैं उनकी बात को सुनता हूँ, उनकी दुआ को, और उसका जवाब देता हूँ। और ये भी नहीं है कि अल्लाह ने यहाँ ये भी नहीं कहा कि हर जो पुकारेगा उसकी जो है दुआ को कबूल ही करूँगा मैं, कोई वादा नहीं किया अल्लाह ने कि जो भी पुकारेगा तो उसकी दुआ को मैं कबूल कर लूँगा, तो अल्लाह का ये वादा भी नहीं है। यहाँ पर ये कहा कि मैं जवाब दूंगा, ये बात अल्लाह ने यहाँ पर कही कि जब भी पुकारे तो मैं उसका जवाब दूंगा, एक कबूल कर लूँगा ये नहीं। और इसके इसी ताल्लुक से देखें हम तो सूरह, ये जो कबूल लफ्ज़ है ये कुरान में भी हमको मिलता है। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40 में यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तकब्बल दुआ, के मेरे रब मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना, और ए मेरे रब मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो कबूल खुद अरबी का लफ्ज़ है, कुरान का ही लफ्ज़ है, कुरान के अंदर आता है, तो यहाँ इस माने में आता है। लेकिन उजीबू का मतलब होता है कि जवाब देना। अब कबूल और जवाब देने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कबूल में और इतना भी नहीं है कि एक दूसरे से जो है उसको पर्यायवाची है आपस में जो है बदल जाए, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग लफ्ज़ है, एक कबूल करना और एक जवाब देना। और इसी दुआ के ताल्लुक से ये, क्योंकि ये दुआ वाली बात है, तो दुआ के ताल्लुक से जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो दुआ कबूल नहीं होती, कुछ होती है कुछ नहीं होती है, कुछ लेट होती है, तो जो दुआ कबूल नहीं होती वो आखिरत के अंदर जखीरा बना के उसको रख दिया जाता है, जमा कर ली जाती है। तो अब ये कि जब तक, अब दुआ जब तक वैसे तो कबूल नहीं होगी कि जब तक कि हम उसकी दुआ के साथ में कोशिश ना करें, सिर्फ खाली दुआ करें तो वो दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे आप उसके कोई भी हो, क्योंकि इसके अंदर तो अंबिया अलैहिस्सलाम भी बगैर कोशिश के दुआ कबूल नहीं होती, सिर्फ दुआ करने से नहीं होता। तो
तो ये है कि कोशिश भी उसके साथ में करनी होगी तो फिर वो दुआ कबूल होगी। अब अल्लाह से हम पिछली गलतियों की माफ़ी मगफिरत मांगता रहे आदमी, अभी रमज़ान चल रहे हैं, लोग मगफिरत मांगते हैं, मगफिरत की दुआएं भी मांगते रहे, अब वो दुआ मांगते रहें लेकिन उसके लिए उससे बचे ना और फिर वो गुनाह करते ही जाएं, तो वो दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि उन्होंने उसकी बचने की कोशिश नहीं की। जैसे ही बचने की कोशिश करेंगे तो वो फिर उनकी दुआ फिर उसकी मगफिरत है, नहीं तो फिर वो मगफिरत नहीं, इसी खाली दुआ से उसकी मगफिरत हो जाए ये नहीं होता। और फिर दुआ के लिए ये भी है कि लोग मुख्तलिफ जगह पर दुआ ऐसी चीज़ है कि एक तो इसके अंदर किसी खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी मांगी जा सकती है, किसी भी वक्त मांगी जा सकती है, और इसके लिए तो ये भी नहीं है कि वज़ू होना गुस्ल होना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ दुआएं ऐसी है कि बगैर गुस्ल गुस्ल फ़र्ज है लेकिन अगर उसको सोना है रात के वक्त के अंदर तो नापाकी भी है तो भी दुआ मांग सकता है वो। तो ये ऐसा अमल है कि हर जगह और हर किसी भी वक्त में किया जा सकता है। अब लोग दुआ के ताल्लुक से हम देखते हैं कि लोग दुआ को मुख्तलिफ जगह जाते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, अब उसके अंदर अल्लाह को छोड़कर भी मांगते हैं, अल्लाह को छोड़कर लोग गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं, कोई आस्थाने पर जा रहा है, कोई किसी जगह दर पे जा रहा है, कहीं पर जाकर वो दुआ मांग रहा है अल्लाह के अलावा दूसरे से मांग। अब किसी की कबूल होती है, किसी की कबूल नहीं होती है, वहाँ पर भी होता है, किसी की कबूल होगी, किसी की कबूल नहीं होगी, तो दो चीज़ें होगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तीसरा कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं, किसी से मांगा कुछ या तो मिलेगा हाँ या ना, इसके अंदर से मिलेगा। और जिसकी नहीं होती है, जहाँ पर उन्होंने गैरुल्लाह से मांगा और अगर उसकी दुआओं पर कबूल नहीं हुई तो वो क्या होता है, जिसकी कबूल नहीं हुई, मांगी और कबूल नहीं हुई, मान लो कि एक अर्जेंट दुआ मांगी, उसका रिजल्ट आने वाला, तो उसने जाकर दुआ मांगी या घर में डिलीवरी होने वाली थी, बच्चा मांगा, लड़का मांगा, लड़की मांगी, जो भी, लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई तो वो उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, लड़का मांगा, लड़की हो गई, पास होना था फेल हो गया। अब वो क्या करता है कि वो उस डर के चुपचाप बैठ जाता है, वो नहीं कहता कि यार ये यहाँ गया था फला जगह पर तो इस जगह पर गया मैं और यहाँ पर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तो ये क्या है, यहाँ जाना नहीं चाहिए, दुआ नहीं मांगना चाहिए। वो क्या करता है, डर के चुपचाप बैठ जाता है, बोलता कुछ नहीं है, और वो या तो फिर क्या करता है कि वो खुद को कसूरवार मानता है कि यार मेरी गलती थी, या फिर ये है कि मुझसे कुछ यहाँ चढ़ाने में या जो भी चीज़ उसको वहाँ पर चढ़ानी थी, देनी थी, तबर्रुक प्रसाद जो भी था उसमें मुझसे कुछ कमी रह गई, इसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, अपने आप को वो जो है कसूरवार उसमें ठहराता है। और दूसरा जिसकी कबूल हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, उसकी एक की कबूल हुई और वो फिर 50 जनों को बोलता रहता है, वो फ्री पब्लिसिटी हो जाती है कि वहाँ जाने से फला फला हो जाता है। और फिर उसके बाद में कुछ लोग एजेंट भी होते हैं वहाँ के, तो एजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसके लिए वो पहले से कहानियाँ किस्से बना कर रखते हैं कि देखो एक बार यहाँ फला ऐसा आया था तो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक जना यहाँ पर आया था उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बहुत परेशान रहा, जंगल था, उसके बाद में यहाँ आकर उसने दुआ की और जाके स्टार्ट करी तो चालू हो गई। अब वो कुछ एजेंट रहते हैं तो वो पूरा उसकी पब्लिसिटी करते हैं और वो उसके हिसाब से चलता रहता है कि यहाँ ऐसा हो गया वैसा हुआ, तो फिर वो चलने लग जाता है, ये चीज़ें उसके अंदर होने लग जाती हैं। तो किसकी कबूल होती है, किसकी कबूल नहीं होती है, अब इसके अंदर जो लोग मांगते हैं सब मांगते हैं, और जो किसी को नहीं मानता, ऐसा भी नहीं कि मांगने से ही मिलेगा, जो किसी को नहीं मानता, नास्तिक है, किसी को नहीं मानता, तो उनके भी औलादे होती हैं, उनको भी नौकरी मिलती है, उनके भी मकान बनते हैं, वो बीमार होते हैं तो वो बगैर किसी दुआ के ठीक भी हो जाते, तो ये भी होता है। तो अब इसके लिए फिर लोग ये है कि उन जगहों पर जो गैर अल्लाह की जगह हैं जहाँ पर मांगना शिर्क है, उन वहाँ पर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो वहाँ पर जो है ये कहानियाँ और किस्से बनाते कि फला का मामला ऐसा हुआ, फला का मामला ऐसा हुआ, और वो ये करते हैं, और उसके लिए फिर वीडियो भी बनाए जाते हैं वहाँ पर कि देखो ये हुआ, उसके लिए किस्से बनाए जाते हैं, उसके लिए भजन और कव्वालियों के अंदर जो है वो शेर बना के सुनाया जाता है ताकि उससे जो पब्लिसिटी मिलती रहे वहाँ पर, फिर अच्छी खासी मोटी रकम कमाने का जरिया होता है गैरुल्लाह का। अब जो है आगे बड़े मीडिया भी आ गए हैं तो उसको छोड़ के लोगों आगे बढ़े, बड़े मीडिया यानी कि टीवी की तरफ, टीवी और इंटरनेट की तरफ भी लोग गए। अब टीवी के ऊपर भी हम देखें तो टीवी पर लाइव प्रोग्राम चलते इस्तिखारा के, वो भी दुआ है, वो इस्तिखारा वहाँ पर बताया जाता है कि इस्तिखारा क्या होता है। अब उसके अंदर किसी को रिश्ते के लिए ज़रूरत है तो वो इस्तिखारा करने के लिए कहा, लेकिन वो फ़ोन लगा के पूछते हैं कि मेरा जो नौकरी नहीं लग रही, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहा, ये काम अटका पड़ा है, ये नहीं हो रहा, ये उधारी मेरी निकल रही, बिजनेस में मेरा अच्छा लॉस चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो वो सब वहीं बैठ कर बता देते हैं उनको इस्तिखारे के अंदर कि फला फला ये अमल कर लो, ये जो है ये वजीफा कर लो, इसको इतनी बार पढ़ लो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा।
इस्तिघारा, इस्तिघारा असल में है कि इस्तिघारा कहते हैं कि जो अल्लाह के इख्तियार में है उसको कहते हैं इस्तिघारा, और लोग दूसरे से उसके बारे में पूछते रहते हैं। इस्तिघारा उसको कहा जाता है अल्लाह के इख्तियार में, तो उससे तलब करना, उससे रहनुमाई मांगना अल्लाह से, ये जो है इस्तिघारा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिखाया, और बल्कि कई सहाबा फरमाते कि इसको ऐसे हमको सिखाते थे कि जिससे फराइज हो, फर्ज हो, जैसे इसको ऐसे सिखाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस्तिघारा ये होता है कि किसी को काम करने से पहले इस्तिघारा करे। अब ऐसा नहीं कि इसका ये मतलब भी नहीं कि, इन्हीं तो कई लोग इसके ताल्लुक से गलत फहमी में भी ये रहते हैं कि किसी काम को किया, करना है उसको, और वो कहते हैं कि ये काम उसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस्तिघारा कर लूँ, इस्तिघारा कर लूँगा तो क्या होगा कि ये मुझे इसके अंदर कुछ अलामतें दिख जाएंगी, कोई आके मुझे बता देगा, ख्वाब आ जाएगा, तो ये करना कि नहीं करना, हाँ या ना का उसके अंदर ये मिल जाएगा, इस टाइप का कुछ दिख जाएगा मुझे, तो हो जाएगा, इशारे मिल जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको इशारे इसके अंदर मिले, अक्सर नहीं होता है। इस्तिखारा करने के बाद में आपको कोई इशारा मिले या कुछ दिखे या कोई आपको बताए ये गलत है सही, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये इस्तिखारा ऐसे किया जाता है कि पहले तो आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को तय कर लें और उसके बारे में देख लें काम ये हलाल है कि हराम। अगर वो काम पूरी तरह हलाल है तो आपने उसको तय कर लिया, उसके लिए कोशिश कर ली, उसकी पूरी जानकारी ले ली कि ये बिजनेस शुरू करना है, ये नौकरी करना है, फला जगह जाना है, रिश्ता यहाँ पर जोड़ना, आपने पूरी तहकीक कर ली उसके ताल्लुक से, कि अड़ोस पड़ोस से पूछ लिया, उसके रिश्तेदारों से पूछ लिया, इस लड़की से निकाह करे या नहीं करे, वो सारी तहकीक करने के बाद में फिर मन बन जाए आपका, तो फिर इस्तिखारा है, फिर दुआ करो उस काम को करो, इसको बोलते इस्तिखारा करना। और ये आज ऐसा हो गया है कि इस्तिखारा तो फ़ोन पर और टीवी के ऊपर और सब इंटरनेट से यूट्यूब पर और लोग फ़ोन कर करके पूछते हैं और वो जो बताते होते हैं, जबकि इस्तिखारा असल ये है। तो इस्तिखारा में वो दुआ भी है कि इसके अंदर ये कि अल्लाह की अगर मेरे लिए ये काम फ़ायदेमंद है तो मेरे लिए इसको आसान कर दे, और अगर इसके अंदर मेरे लिए नुकसान है तो फिर मुझको इससे दूर कर दे। तो वो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाए या बाद में आपको जानकारी मिल जाए कि अरे काम गलत था, नुकसान में जा सकते हैं, तो इसके लिए इस्तिखारा किया जाता है। तो काम शुरू करें, मुकम्मल इरादा आपने कर लिया, उसके बाद इस्तिखारा करेंगे और काम शुरू कर देंगे, वो हलाल काम होगा, आप पूरा काम करके, तो इसको बोलते हैं इस्तिखारा करना। इस्तिखारा से ये नहीं होता कि वो नहीं। अब ये जो बात हमारी चल रही थी कि लफ्ज़ कबूल, कि कबूल लफ्ज़ जो है तो कबूल नहीं है वहाँ पर, जो है जवाब देता हूँ वो है। अब जब रब कह रहा है कि मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब हूँ, उनसे कह दो कि मैं करीब हूँ, वो करीब है, तो उसके बाद फिर किसी दूर के पास लोग जाते हैं, कहते हैं, पढ़ते भी इसको हैं, सुनाया भी जाता है, यही तर्जुमा तमाम मकतब फ़िक्र के जितने लोग हैं सब यही तर्जुमा इसका लिखते हैं कि अल्लाह करीब है, शेर अक से करीब है। लेकिन उसके बाद करीब होने के बाद में फिर वो दूर के पास ढूंढने जाते हैं, अब ये फ़लाँ आपके औलाद नहीं हो रही, ये फ़लाँ आपके मसला है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आप 1000 किलोमीटर दूर जाओ, 500 किलोमीटर दूर जाओ, उन वहाँ से जाकर मांगोगे तो फिर आपको शिफा मिल जाएगी, औलाद मिल जाएगी। अब वो करीब को छोड़कर कह रहे हैं कि करीब है, उस करीब को छोड़कर फिर वहाँ जाकर उसको वहाँ पर जाके बोल रहे हैं, बल्कि वहाँ पर क्या है कि अब करीब है तो करीब है तो ये भी साथ में है, तो रब भी साथ में है उसके साथ में वहाँ पर जहाँ जा रहा है। अब वो जाने के बाद में फिर ऐसा अमल हो रहा है उसके साथ में कि वो कह भी रहा है कि हाँ रब तो करीब है, हर जगह मुझे देख रहा है और मेरे करीब ही है। अब वहाँ जाकर उस दूसरी जगह पर जाकर वो मांग रहा है और मांग कर उससे कह रहा है कि फिर अगर उससे कहा कि नहीं इनसे नहीं मांगा जाए तो बोले नहीं इनसे नहीं मांगते, इनका वसीला लेते हैं, नेक बुजुर्गों। अब वो साथ में ले गए आप रब को और फिर उनसे कह रहे हैं कि आप इनसे कह दो कि मेरी दुआ सुन ले। अब वो तो साथ में ही थे, अल्लाह तो साथ में ही था, लेकिन फिर वहाँ जाकर हम उनसे ये कह रहे हैं। तो अल्लाह से किसी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी बड़े अहदेदार के पास में जाएँ और वो आपको बुला लें कि इस आदमी को मेरे पास में भेजो, कलेक्टर हुआ, कोई मिनिस्टर हुआ, आपका कुछ काम था और आपको उसने बुला लिया ऑफिस के अंदर, आपने सामने उसने कुर्सी पर बिठा लिया। अब ये इसी बात हो जाएगी कि वहाँ पर बैठ जाए, रुके कि कहो क्या बात है, तो हम उससे कहें कि रुको चपरासी को आवाज़ दे और उससे आके बोले कि चपरासी को ये एप्लीकेशन लो साहब को दे दो, तो वो तो भगा देगा वहाँ से, बोले जब मैं खुद कह रहा हूँ कि बोलो क्या काम है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, उसके बाद में तुम चपरासी को बुला के कह रहे हो कह रहे एप्लीकेशन दे दो। तो ये वैसा ही वाला अमल है कि रब पास में है, खुद कह रहे हैं, उसके बाद में फिर हम दूसरों को उसका जरिया बनाते हैं। अब लोग इसके अंदर जो है कई मिसालें पेश करते हैं, लोग इसके अंदर ये मिसालें पेश करते हैं, अब इसके अंदर लोगों ने मिसालें भी बनाई हुई हैं, वो जज के पास
जाना है तो वकील के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर के पास जाना हो चपरासी के पास जाना पड़ेगा, ट्रेन और इंजन वो बहुत सारी मुख्तलिफ इसकी जो है लोगों ने बना रखी है। पर अजीब बात है कि ये जो अल्लाह यहाँ पर कह रहा है तो उसको छोड़कर लोग ये चीज़ें बनाते हैं, तो वो हैं क्योंकि वो जज आपको जानता नहीं है, तो इसके लिए बगैर वकील को और आप कानून जानते नहीं हैं तो आपको बीच में रखना पड़ेगा उससे आपके जो है मसला हल कराने के लिए, केस आपका है उससे जीतने के लिए आपको वकील को रखना पड़ेगा। वो कलेक्टर आपको जानता नहीं है तो हर कोई उसके अंदर घुस नहीं सकता, तो आपको चपरासी से जाकर एप्लीकेशन दिलवाना पड़ेगी। वो दुनिया के अंदर है लेकिन फिर कुरान में जब अल्लाह ने कह दिया कि वो करीब है तो वो करीब है, तो फिर उसको डायरेक्टली पुकारा जाएगा। अब ये जो आयत चल रही है सूरह बकरा की आयत नंबर 186, इससे पहले की आयत जो पिछले दर्स में हमने देखी थी 183, 184, 185, ये सारी जो है रमज़ान की आयत थी, रोज़ों के ताल्लुक से थी कि हमने तुम पर रोज़े को फ़र्ज किया गया जैसे पिछली कौमों पर किया गया था, और उसके मसाइल बताए गए कि कौन रोज़ा रखे, कौन उसमें रोज़ा छोड़े, कोई फ़िदिया दे सकता है, और तमाम मसाइल इसके अंदर थे। अब ये चलते हुए रोज़े के आयत चल रही है, रोज़े के अहकाम चल रहे हैं, और बीच में एक ही आयत 186 आ जाती है जो अलग है, ऐसा लगता है कि अलग है। बात तो रोज़े की चल रही थी और उसके बाद फिर 187, 188 में फिर वापस रोज़े की बात आ जाती, फिर 87 में आ जाता है कि तुम अल्लाह ने देख लिया तुम्हारी जो खयानत कर रहे हो, वो तुम रातों में अपनी बीवी के पास जाते हो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमज़ान के महीने में उसको हलाल कर दिया। अब फिर वापस तो शुरू हो जाती है इस आयत के बाद में। अब ये बीच में ये आयत आई तो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आयत चलती हुई एक एकामात चल रहे हैं और उसके बीच में एक आयत जो है दुआ के ताल्लुक से आ गई, तो ये चल रही थी तो इसके अंदर ये बात गई कि फिर अब रोज़े की तफसील हम देखें तो रोज़े का सोम का मतलब क्या होता है? रुक जाना, रुकना, खाने पीने से रुकना, बुरे कामों से रुकना, तो उसका जो है लफ्जी माना जो उसका होता है लिटरली मीनिंग जो होती है कि रुक जाना, और जायज़ काम हो तो उससे भी रुक जाना। लेकिन रोज़ा है आपका, खाना आपके लिए हलाल है लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, जायज़ है फिर भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि रुक जाना उसका मतलब होता है हर चीज़ से वो रुकता है, बुराई से भी रुकता है, खाने से पीने से भी रुकता है, तो रुक जाए। तो अब ये है कि यहाँ पर ये बीच में ये बात आ गई कि यहाँ अल्लाह ने कह दिया कि मैं जवाब देता हूँ तो तुम सब दूर जाने से जिससे तुम दुनिया में जिसको पुकार रहे हो, और यहाँ बात रुकने की चल रही थी पूरी, सभी छः आयतें कुरान के अंदर रमज़ान के ताल्लुक से, रोज़े के ताल्लुक से, और यहाँ रुकने की बात कही जा रही थी कि इससे रुकना है, और फिर अल्लाह ने यहाँ पर कह दिया कि तुम जो है मैं तुम्हारी बात का तुम जो पुकारते हो मुझे तो मैं जवाब देता हूँ, तो रुक जाओ यहीं पर, अब मत जाओ कहीं पर, यहीं पर तुमको रुकना है, क्योंकि ये भी इसका ताल्लुक भी सोम से, तो ये बात भी इसके अंदर हमको अगर गौर फिक्र करें तो ये इसके अंदर मिल जाती है। तो फिर उसके लिए क्या करें कि तुम मुझे पुकारो मैं जवाब देता हूँ, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम क्या करो कि मुझ पर ईमान लाओ और दूसरों से मांगना रुक जाओ। अब ये रोजे के साथ है तो रुकना, यहाँ पर गैरुल्लाह से रुक जाओ तो फिर वो अल्लाह तुमको जवाब भी देता है। तो इंसान अगर कोशिश करेगा, कोशिश के साथ में दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, उसको मिल जाता है, और उसको उसके साथ में उसको मुकम्मल यकीन भी होना चाहिए, ईमान भी उसका पूरा होना चाहिए, तो उसको मिलती है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि यही रास्ता है, ये जो हिदायत वाला रास्ता है, और ये तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा और सही रास्ता तुमको मिल जाएगा। अब जहाँ पर भी उजीबू का तर्जुमा कबूल किया तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी है, बहुत कुरान में एक ही जगह नहीं और भी बहुत दूसरी आयतों में भी आता है, तो जहाँ पर है तो वहाँ पर जवाब देना लिखा है, कहीं कहीं पर वहाँ पर कबूल करना भी लिख दिया, क्योंकि पहले देखा कबूल है तो बाद में भी उसको कबूल कर दिया गया। तो वहाँ से फिर जो है बहुत सारी चीज़ें कि वो आयत का जो है माने जो है तब्दील हो जाते हैं, उसके माने वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इसका फिर ये होता है कि इसको कबूल कर लिया कि वो हर जब भी कोई उसको पुकारे उसकी दुआ को सुनता है और कबूल करता है। अब एक आदमी 2 साल से दुआ कर रहा, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, उसकी परेशानी का हल नहीं मिल रहा, अब वो क्या करेगा? या तो फिर वो कहेगा कि 2 साल से मैं रब को पुकार रहा हूँ और ये सुनी नहीं, रब मेरी भी सुनी नहीं रहा, अब या तो वो छोड़ के चला जाएगा, उसका ईमान कमज़ोर हो जाएगा, यकीन कमज़ोर हो जाएगा, 2 साल से पुकार रहा हूँ और ये 2 साल से रब मेरी बात नहीं है तो कबूल नहीं हो रही। तो हर पुकारने वाले की पुकार, अब 2 लोग है, मान लो मिसाल के तौर पर 2 लोग है और 2 लोग है, 2 टीमें खेल रही, फुटबॉल मैच चल रहा है, दोनों मैच खेल रहे हैं और दोनों दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। अब यहाँ कोई ऐसा मसला भी नहीं, दोनों अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो भी नहीं, अब वो दोनों दुआ कर रहे हैं, 11 प्लेयर इधर से 11 प्लेयर उधर से, दोनों अल्लाह को पुकार रहे हैं हम जीते, और जीतेगा कौन? एक ही। तो ये तो नहीं हो सकता कि हमने इसको ये कर लिया कि हर हर जो पुकारे उसकी दुआ को वो सुनता और कबूल करता है, तो यहाँ तो हो ही नहीं गए नहीं, फिर
एक जीतेगा दोनों के अंदर से, एक तो हार जाएगा, और उसके अंदर फिर ये भी होगा कि गैर मुस्लिम टीम होगी, गैर मुस्लिम होगी एक टीम, फिर मुस्लिम की टीम होगी। अब वो ये दुआ करके गए अल्लाह से, तड़प तड़प के दुआ करके गए कि ये मैच तो क्रिकेट मैच हमको जीतना चाहिए या फुटबॉल मैच हमको जीतना चाहिए, और वहाँ गैर मुस्लिम थी और वो जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि हर जो पुकारेगा उसकी हर की दुआ को कबूल करेगा, पहले तो कबूल माना है नहीं, और उसके बाद ये कि हर की वो पुकारे, हर जना पुकारे और हर की वो कबूल कर ले, तो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर ये भी हो सकता है कि जैसे एक कभी कभी कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, दो लोग बैठे, हम दोनों बैठे और एक आदमी बीच में आया, हम दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं और एक आदमी आया बीच में और आके उसने लाके कोई एक मोबाइल बीच में रख दिया, बोले तुम्हारे लिए, कह के चला के चला गया। अभी हम उसको दोनों को जानते हों या नहीं भी जानते हो, अनजाना, और जानते हैं दोनों, उसके बाद हमको मिल नहीं रहा, वो रख के चला गया हमारे पास। अब वो बोल के गया था कि तुम्हारे लिए, अब दो तुम्हारे लिए, या तो होता है कि दो जने बैठे तो कहा था तुम्हारे लिए, उसके अंदर भी यही लफ्ज आएगा कि तुम्हारे लिए, यानी दोनों के लिए हो गया। अब एक आदमी सम्मान करता है किसी का, बड़े हैं वो दोनों, उससे बड़े वो छोटा था, तो एक के लिए भी बोलेगा तो कहेगा तुम्हारे लिए। अब ये दोनों कह रहे कि नहीं मेरे लिए रखा, अब दोनों हक पे इस जगह पर, क्योंकि वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो बोल के चला गया तुम्हारे लिए, अब दोनों लड़ रहे इसके लिए कि नहीं मेरे लिए था, और एक कह रहा मेरे लिए था। अब उसके अंदर दोनों दुआ करें अल्लाह से कि जिसका हक है उसको मिल जाए, तो अब ये बताइए वो किसको मिलेगा, और एक की अगर कबूल, एक के पास ही जाएगा, दो पीस तो हो नहीं सकते उस, तो फिर एक की तो कबूल हुई, एक की कबूल ही नहीं हुई, फिर वापस हो जाएगा। तो हर की दुआ कबूल हो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो, अभी ये चुनाव चल रहे हैं, अब दो मान लो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, दोनों ईमानदार हैं, वो दोनों चाह रहे हैं कि वो जनता का भला करें, वो दोनों जीत के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अब जीतेगा कौन, जीतेगा तो एक ही फिर वापस। तो हर की दुआ कबूल होना ये नहीं होता है, और अल्लाह ने ये कहा भी नहीं, वो अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया कि हर की दुआ को वो कबूल करेगा। एक और यहाँ अल्लाह ने फरमाया सूरह अनफाल 8 आयत नंबर 24 के अंदर, या अय्युहल लजीना आमनु अस्तजीबू व रसूली इजा दाअकुम लिमा युहीकुम, के ईमान वालों अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दो, वो जब तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाए कि जिससे तुम्हारे लिए जिसके अंदर ज़िंदगी है। यहाँ पर भी यही लफ्ज़ है, और यहाँ पर जो इसका तर्जुमा यही आता है कि वो जब तुम जवाब दो उनकी पुकार का, जब रसूल तुमको पुकारे तो उनकी पुकार का तुम जवाब दो, तो यहाँ पर यही लफ्ज़ आता है कुरान का, और यहाँ पर इसका माना जो है जवाब होता है। इस तरह एक और जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह नमल 27 आयत नंबर 62 में फरमाया, आमाना युहिज़्बुल मुस्तरा, के वो कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनता है, उसका जवाब देता है, यहाँ पर भी वही लफ्ज़ है, और उसकी तकलीफ़ को दूर करता है, यानी कि आपने उसको पुकारा, तकलीफ़ बताई, तो उनने जो है उसकी तकलीफ़ को दूर किया, और अलग अलग सिचुएशन में इसके जवाब, यही जवाब ही आएगा सबके अंदर, क्योंकि अल्लाह ने वही कहा कि मैंने जवाब दिया है, कबूल करने की बात अल्लाह ने नहीं की। वो दूसरी जगह दुआ भी है जहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम ने दुआएँ की, जहाँ पर लफ्ज़ वो आया है कि वो कबूल किया, जैसे मैंने सूरह इब्राहिम की रखी है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कही कि हमारी तरफ से कबूल कर, तो वो वहाँ पर कबूल लफ्ज़ अरबी में खुद आता है, लेकिन जहाँ पर जो उजीब वो आता है तो उसका माना होता है कि जवाब देना होता है। इस तरह एक और जगह अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया सूरह मोमिनून सूरह नंबर 40 आयत नंबर 60 में, कि वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, कि वो तुम्हारे रब ने फरमाया कि तुम मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। अब यहाँ पर भी तर्जुमा जो है आमतौर पर इस पर आता है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा, तो यह है कि जवाब दूंगा। तो बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकसी तकब्बुर करते हैं तो अनकरीब जलील होकर दोजख में दाखिल होंगे। तो मेरी बंदगी में भी तकब्बुर मत करना, यानी कोई आदमी अगर इबादत भी करता है तो यहाँ वो भी इसका माना है कि बंदगी के अंदर तकब्बुर नहीं करे कि मैं जो है 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, मैं जो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं फला फला या मैं इतनी रोज़ी भी रखता हूँ, तो इसमें भी तकब्बुर अल्लाह को, वैसे तकब्बुर तो है अल्लाह को पसंद ही नहीं, जर्रा बराबर भी अगर किसी के पास तकब्बुर हुआ तो उसके सारे आमाल अकारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कि अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह कर सकता है, इसके अलावा दुनिया में तकब्बुर कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ अल्लाह ने कराया कि अनकरीब फिर वो जलील होकर जो है जहन्नम में जाएंगे, तो घमंड ना करे, और इसमें भी घमंड ना करे कि मुझे पुकारे ना, दोनों माने, आदमी ये ना करे कि नहीं अरे मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मैं क्यों पुकारूँ, सब कुछ है मेरे पास, सब है, लेकिन नहीं पुकारता, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता, ये उसकी रब की बड़ाई है कि उसको पुकारा जाए, अगर नहीं पुकारा तो ये भी उसका घमंड है, तकब्बुर है कि रब को नहीं पुकारता, तो उसको रब को पुकारना है, चाहे हो उसके पास चाहे ना हो,
ज़रूरत हो या नहीं हो, उसको जो है रब को पुकारना ये भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर अल्लाह जो है इसको पसंद नहीं करता है और फिर ये जवाब उसका आ जाता है। लेकिन ये एक इंसान नहीं पुकारे और उसके बाद जवाब मिल गया, जवाब कहाँ मिलता है, जवाब कुरान में मिला, किसी चीज़ को उन्होंने तलाश किया। हम कहते हैं और आम तौर पर हम कहा जाता है और सभी कहते हैं और कह रहे हैं, बल्कि हालांकि वो जुबानी होता है, अमल नहीं होता उसके ऊपर। एक ऐसी कोई सवाल नहीं है दुनिया के अंदर जिसका जवाब कुरान में ना हो, अक्सर लोग कहते हैं ये बात। तो जवाब तो है उसके अंदर, ढूंढने की जरूरत होती है। अब उसके अंदर जवाब मिल गया उसकी कोई परेशानी का, जिसमें वो रब को पुकार रहा था और जब अल्लाह ने कहा कि मैं जवाब देता हूँ, जवाब मिल गया, और जवाब मिलने के बाद में फिर आदमी अपनी मर्जी करे कि नहीं जवाब तो ये मिला लेकिन ये करने से मुझे थोड़ा सा होगा, ये इसकी बजाय मैं मेरी मर्जी से करूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर ऐसे ही लोग जो जलील होंगे दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्योंकि रब की जब बात आ गई थी तो उसके अंदर नफे नुकसान नहीं देखता, जो रब ने कहा वो करना था, जब उसको जवाब कुरान से मिल गया था। अब ये कि हमारे पास में जवाब कैसे आएगा, अल्लाह ने तो कह दिया कि जब भी तुम मुझे पुकारो तो मैं जवाब देता हूँ। अब जब अम्बिया नबी थे तो उनके पास में फरिश्ते आते थे, अम्बिया अलैहिस्सलाम से कोई सवाल करता था तो वो फरिश्तों को बताते थे या अल्लाह को कहते थे, तो अल्लाह फिर फरिश्तों के जरिए वही के जरिए जवाब दे देता था, तो उनके पास में आ जाते थे, तो फरिश्ते आते थे और वही आ जाती थी, अल्लाह के उसमें जवाब देते। कितनी सारी कुरान के अंदर आया थी या सलूना का, कि आपसे ये पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो फिर उसका जवाब उसके अंदर आता है, बार बार मिलता है। अब हम कैसे जवाब लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सवाल है, हम पुकार रहे हैं, अब कोई फरिश्ता तो आना ही नहीं, तो हम कैसे जवाब लेंगे फिर कुरान से, क्योंकि हमने पुकारा रब को और अल्लाह ने कहा कि जवाब तो दूंगा मैं जवाब देता हूँ, तो फरिश्ता आना नहीं, तो फिर कैसे समझेंगे। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 10 में, लकद अंजलना इलेकुम किताब अनफी ही जिक्रकुम अफला ताकिलून, कि बेशक तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। तो अल्लाह ने यह फरमा दिया कि ये हमें जवाब देता हूँ तो तुम्हारा जवाब है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा ही जिक्र है, तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ही जिक्र है, तो तुम्हारा जिक्र है तो जवाब तुम्हारे सारे इसमें मौजूद है, तो तुम अकल से काम नहीं लेते। तो अकल से तुमको ढूंढना पड़ेगा, इसे नहीं चलेगा कि बगैर अकल के तुम कह दो कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा, इसमें अकल गौर फिक्र करना पड़ेगा, तदब्बुर करना पड़ेगा, तो उसको मिलेगा। और वो जवाब दे रहा है, कौन जवाब दे रहा है, कि जिसको मुस्तकबिल का भी इल्म है, कयामत तक के लोगों के आने का इल्म है, लोग क्या सवाल करेंगे, उससे क्या मांगेंगे, उस सब की बातों का जब उसने कहा कि मैं जवाब देता हूँ, उन्होंने जवाब दे दिया कुरान के अंदर, तो ये कयामत तक के आने वाले तमाम लोगों के सवालों के जवाब इसके अंदर मौजूद है, हर लोगों की परेशानी का हल इसके अंदर मौजूद है, सबका जवाब इसके अंदर मौजूद है, वो दे चुका है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि जवाब देने जैसा नहीं होता, हम किसी पे सवाल, किसी से सवाल किया हमने, तो आदमी क्या करेगा, जिससे हमने सवाल लिखकर भेजा वो एक आधे पौने पेज का हमको जवाब लिखकर भेज देता है। अब वो वही परेशानी किसी दूसरे को आई, एक डॉक्टर को किसी ने खत लिखा कि मेरे को ये फला फला परेशानी बीमारी आ रही, तो वो उसने वहाँ पर उसको पढ़ा, जवाब लिख दिया, ये चीज़ें तुम जो है परहेज करना, ये दवाई खा लेना इतने टाइम तक। अब दूसरे को वही सेम बीमारी हुई, लेकिन अब वो दवाई नहीं ले सकता वो, क्योंकि एक जैसा दवा जवाब दोए का नहीं होता, हर की जिसमें की हरारत, वजन, वेट, ब्लड, सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, उसकी जांच करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से उसको दवाई देनी पड़ेगी, हर के लिए नहीं है वो, उसे एक का जवाब था, एक ही देगा, दुनिया के अंदर ये होता है। लेकिन चूंकि ये रब है और ये रब ने दिया है, तो इसके अंदर हर सवाल का जवाब है, जो इंसान जितने लोग हैं 1 करोड़ भी और उनके सवाल है, और उसके अंदर हो सकता है कोई चंद 10 आयतों के अंदर सबके जवाब हो जाए, क्योंकि रब का कलाम ये इसका मौजूदा है, सबका उसके अंदर जवाब मिल जाता है, तो ये अल्लाह का कलाम है और एक ही आयत में सबके जवाब है। और कई बार होता भी है, आप कई लोग से मैंने पूछा और कई ने मुझसे भी कहा ये बात, कि जब खुतबे देते हैं खुतबे के अंदर वो सुनते हैं, अब आदमी वहाँ पर 100-200 लोग 150 लोग खुतबा सुन रहे और उसके अंदर कुरान की एक आयत पेश की गई, अब एक आयत पेश की गई और उसके अंदर 10 लोगों के अलग अलग उसके अंदर समस्या थी, उनको परेशानी थी, और एक आयत की वजह से उसको सुना तो 10ों की उसके अंदर हल मिल गया, तो फिर वो आके कहता है कि आज तो आपने यार मेरी समस्या का निराकरण कर दिया, मेरा जो मामला हल हो गया, आपने बात कही और मेरे इससे मामला हल हो गया। अब दूसरा भी कह रहा है, अब परेशानी दोनों की अलग अलग थी, लेकिन ये कुरान का मौजूदा है कि एक आयत होती है उसके अंदर कई सारे लोगों के मसले उसमें हल हो जाते हैं, तो ये भी इसके अंदर होता है, तो ये जवाब होता है, अल्लाह का ये जवाब है उसके अंदर। तो एक आयत में इबादत
इबादत की हिदायत भी मिल जाती है कि इसके हम निकाल सकते हैं कि इसका मतलब इबादत है, उसके अंदर से ये भी मिल जाता है कि हिदायत की भी मिल जाती है उसके अंदर, वो उसके अंदर से दूसरा मसला भी मिल जाता है, ये तमाम तरीके उसके अंदर होती है। तो ये कब होगा? जब कलाम से जुड़ेंगे तब होगा, अगर कलाम से नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये नहीं होने वाला। जब रब ने कहा, पहले तो यकीन होना चाहिए कि हमारे रब ने कहा और रब ने इसको हक के साथ में भेजा अल्लाह के रसूल सल्लम के ऊपर नाजिल किया, तो इसके अंदर हर सवाल का जवाब है और इंसान के जितने भी परेशानी है उसका इसमें हल है और उसको यकीन हो, उसके बाद फिर वो इससे जुड़े और पहले नंबर इसको रखे कि मैं इससे जुड़ूंगा और इससे जुड़कर इसमें जो है इसमें जवाब जो है तलाश करे तो उसको मिलेगा। वो चाहे कोई सी भी बात हो, चाहे वो कायनात की बात हो, चाहे वो दुनियावी बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे इंसान की बात हो, हर का जवाब इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये कुरान के अंदर हर सब्जेक्ट है, दुनिया का हर सब्जेक्ट इसके अंदर है। और वो चाहे लोगों से ताल्लुकात रखना हो तो वो भी मिलेगा, बिजनेस करना तो आपको वो भी मिलेगा, रिश्तेदारी करना तो वो भी मिलेगा। अब कहते सब हैं कि बस इसके अंदर सबका जवाब है, लेकिन क्या होता है कि जुबान से कहते हैं बस, मानते नहीं। मान लेते ताज मुसलमानों की हालत और अलग होती, अगर इसको मान लेते कि इसमें हर चीज़ का जवाब है। इको जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 71 में फरमाया कि बल आते ना हम भी जिक्र हिम फहम अन जिक्र हिम मोरिजून, कि बल्कि हम उन्हीं का जिक्र उनके पास लाए हैं और अपने ही जिक्र से वो बचकर निकल जाते हैं। अब ये किसी को बताया जाता है कि भाई तुम्हारा क्या परेशानी है, कुरान पढ़ो उसमें तुमको मिल जाएगा हर परेशानी का हल, सब मिल जाएगा। तो अब वो क्या करता है कि बोले अब इसमें नहीं ढूंढने के बजाय वो तमाम जगह पे ढूंढ रहा है, दूसरी जगह पे ढूंढ रहा है, इसमें नहीं ढूंढ रहा सिर्फ कि इसमें ढूंढ लूँ। एक वाकया याद आ गया मुझे, तो कि वाकया हजरत उमर के पास में एक शख्स रोज़ आ जाता था, रोज़ आता और आकर उनसे कहता कि हजरत उमर खाने को कुछ नहीं घर पर, सब भूखे बच्चे, कुछ खाने का इंतजाम कर दो, तो उनको बैतुलमाल से दे देते। कभी घर पर आ जाता कि कुछ दे दो आज, तो घर से दे देते। अब कई बार आदमी का मूड होता है, इंसान है, मूड कभी होता है, कोई आदमी बार बार आ जाए तो उसका मूड भी, तो एक बार उनका थोड़ा मूड अपसेट होगा और उन्होंने देखा कि रोज़ रोज़ ही शाम सुबह ना घर देखता है ना वहाँ देखता है, जब देखो जब आ जाता है रोज़ आके हाथ फैला देता है, और डेली का मामला, रोज़ का मामला। तो उन्होंने उससे जो जैसे आया तो बोले अरे क्या दिक्कत है तेरे को, रोज़ रोज़ आ जाता है, कुछ काम नहीं, बस ये मांगने का ही काम है रोज़। अब वो आदमी चुप हो गया, उन्होंने कहा जा अल्लाह का कलाम पढ़ जाकर। अब उन्होंने ये कह दिया, अब उसके बाद में क्या, वो आदमी आया ही नहीं। हजरत उमर को बाद में जाने के बाद में फील हुआ उनको कि मैंने तो काम गलत कर दिया, मैंने उसको झिड़क दिया उसको, ये या तो मना करने का तरीका भी अलग से फरमाया किसी को झिड़को मत तुम, हो सकता है कि वो आपसे रोज मांग रहे, एक साल से रोज मांग रहा हो, लेकिन वो एक साल से मांग रहा था तब तक उसको जरूरत नहीं थी, वो जबरदस्ती आपसे ले जा रहा था, रोज भले खाना मांग रहा हो या पैसे मांग रहा हो उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक साल में एक बार एक दिन आया था और आपको मालूम नहीं और आपका मूड खराब था, उस दिन उसको बाकी में जरूरत थी और उस दिन वो भूखा सो गया और उस दिन आपने उसको मना कर दिया, ये गुनाह है। तो आप उसको ये है कि हसन तरीके से नहीं देना चाहते तो अच्छे तरीके से उसको मना करेंगे। तो ये हजरत उमर के दिल के अंदर ये बाद में हुआ कि गलत किया, वो मिल भी नहीं रहा, उनके दिल में ये रहा कि अभी कहाँ चला गया क्या मालूम, नाराज़ हो गया ऐसा, रोज़े क़यामत पकड़ ना ले, उनको ये भी डर था। फिर उनको जो है बहुत वक्त बाद, सालों बाद उनको बाजार में वो आदमी शख्स दिख गया, तो उन्होंने उनको बुलाया, अरे इधर आओ, तुम तो वो थे उस दिन, तुमको मैंने कहा तुम तो नाराज हो के ऐसे ही चले गए, आदमी का मूड थोड़ा ऐसा रहता है, कभी कभार बोल भी दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको वापस मिलना तो चाहिए। तो बोले नहीं, आपने मुझे हुक्म दिया कि जाओ कुरान पढ़ो, और मैं गया और मैंने कुरान पढ़ा, और कुरान पढ़ा तो उसके बाद अल्लाह ने मेरी को मेरे बेनियाज कर दिया लोगों से, उसके बाद मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा और इतना अल्लाह ने मुझे दिया कि मैं पूरा उससे आबाद हो गया। तो ये है कि वो कुरान से जुड़ा, तो ये इसकी एक मिसाल भी सहाबा की ज़िंदगी से मिलती है, तो कुरान से जुड़ा तो उसको सब कुछ मिल गया। तो असल में है कि हम उसको कुरान से जुड़े तो फिर ये हमको सब चीज़ें उसके अंदर से मिल जाएगी और फिर जवाब ज़रूर उसके अंदर से हमको मिलेगा। और इसके अंदर फिर ये है कि इसमें हर परेशानी का हल है और इसके अंदर फिर जिक्र किया जा रहा है, और तुम्हारा जिक्र है और किसी को बताया जाए तो कतरा के निकल जाता है, नहीं हमारा जिक्र नहीं है। अब जब कुरान खुद कह रहा है कि इसके अंदर ये जो है हिदायत की किताब है, रोशन दलील है, इंसानों के लिए है, फिर अल्लाह ने ये भी कह दिया कि इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, फिर ये भी कह दिया कि तुम्हारा जिक्र तुमको सुनाया जाता है तुम कतरा के निकल जाते हो, और फिर हम इसको कहाँ तलाश करते हैं? नहीं, ये आयात जो है ये इसका पहले साय नजूल मालूम होना चाहिए, इसके जमाने नजूल मालूम होना चाहिए, ये कहाँ पर आई थी, क्यों आई थी, फिर इसको देखा जाएगा, अरे ये तो उनके लिए आई थी, तो आपका जिक्र था
आपने उसको जान के उसको उधर कर दिया, वो सहे नजूल जमाए नजूल वो स्कॉलर्स के लिए है, आलिमों के लिए, आपके लिए नहीं। आपको तो उसको आपके लेवल की चीज़ नहीं, वो उनको कुछ मसलियत निकालनी होती है तो उनके लिए काम किए। आपको तो इससे डायरेक्ट जुड़ना है, ये आपको क्या कह रहा है वो आपको से इसको जवाब मिलेगा, आप उस पर अमल करना है आपको। जब ये आपका कह रहा है, आपका जिक्र है तो हर जवाब आपको उसके अंदर से मिलेगा, आप इससे ताल्लुक़ रखिए। तो ये कुरान के अंदर बहुत सारे उसूल हैं, कई सारे उसूल हैं, अगर इसको रखे तो एक बहुत बड़ा मौजू है कि कुरान के ताल्लुक से, तो ज़रूरत है कि इसको अपनाने की, और फिर सवाल पूछना भी नहीं पड़ेगा। अगर इसको आपने अपना लिया सही ढंग से कुरान को, तो आपको फिर इससे सवाल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब आपको परेशानी आएगी इसको उठाएंगे, आपको जवाब मिलते जाएंगे। और ये कई लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ कितनी बार हुआ कि कोई चीज़ को मैंने सोचा कि यार ये बात को ढूंढना पड़ेगा और वो सामने आ जाती है। मोबाइल खोला वही आयत सामने आ जाती है, कुरान खोला वही आयत सामने, वो जवाब वहाँ पर मिल जाता है। ऐसा तो एक बार नहीं, कई बार होता है, और मेरे साथ कई बार हुआ ऐसे, जवाब ढूंढता मिल जाता है, बल्कि चार बात का और भी मिल जाता है। इससे जुड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं जुड़ेंगे और हम इसको कि ये तो इसके लिए है, फलाँ के लिए, उसके लिए, उसके लिए, तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये तो पूरा का पूरा कुरान ही वहीं पर 23 साल नाजिल हुआ सहाबा के ऊपर, यहूदियों के लिए, मुशरिक के लिए, ईसाइयों के लिए, हमारे लिए क्या है फिर, अगर हम इसको उसी के अंदर ढूंढते रहेंगे कि ये तो उनके लिए पूरा था। तो ये हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने दिया, हर एक के लिए, और हर एक का इसमें जिक्र है क़यामत तक के लोग के आने वाले का, तो हर को उसके अंदर जवाब मिलेगा। यहाँ अल्लाह ने एक और जगह फरमाया सूरह जुमर सो नंबर 39 आयत नंबर 55 में, व अतबीउल हसना मा उन्जिला इलेकुम मिन रब्बिकुम मिन कबली अन यातिकुम, और जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसके अंदर से बेहतरीन हसन पहलू की पैरवी करो, सबसे अच्छी बात की पैरवी करो, और उससे पहले कि तुम पर अजाब आए और तुम्हें खबर भी ना हो। यानी इसके अंदर ये भी है कि वैसे तो पूरा का पूरा कुरान हसन है, उसके अंदर सारी अच्छी बात है, कोई बात उसमें ख़राब नहीं, लेकिन मौके के महल के हिसाब से कि हसन बात की इत्तिबा करना, यानी कि हर बात की आपकी सिचुएशन अलग अलग होगी। एक बात जब आपने उससे कहीं से कोई जवाब लिया था, अब वो दूसरी सिचुएशन में वहाँ दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, हर बात उससे काम नहीं चलेगा। तो ये हमको मौका महल के हिसाब से उससे जवाब तलब करना पड़ेगा, तो हमारा जवाब उसके अंदर हमको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर अगर नहीं ढूंढेंगे तो भी परेशानी हो जाएगी। दुआ के सिलसिले में हमको ये समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर मिलता है, लेकिन मौके महल से और अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसमें जवाब तलाश करना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39 से 42 में फरमाया कि और इंसान के लिए उसके सिवा कुछ नहीं है जिसने उसकी कोशिश की। ये दुआ का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँ, वैसे दुआ का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो जो कुरान की आयतों से हमको मिल रहा है तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इंसान के लिए उसके सिवा कुछ नहीं है कि जिसने उसकी कोशिश की। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, कोशिश के साथ दुआ है, बगैर उसके फिर नहीं मिलेगा खाली वो दुआ करे तो। और उस और ये उस हर कोशिश अनकरीब उसको दिखा दी जाएगी और उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये बिल आखिर तुम्हारे रब के कानून की तरफ से आखिरी इम्तिहान है। यानी जितनी कोशिश की उसको इतना मिल जाएगा, जितनी कोशिश करेगा उसको मिल जाएगा, और उसके बाद भी इम्तिहान तो है वो रब के पास ही है। ये नहीं कि उसने जो कोशिश की बहुत सारी 100% कोशिश की, मिला 10% तो उसका रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। आपको कोशिश करना है और साथ में दुआ भी करना है, तो आखिरी जवाब किसके पास से आएगा? वो इम्तिहान वाला, वो अल्लाह के पास से आएगा, वो आखिरी जवाब उसका होगा, और उसके बाद में किसी का कंट्रोल ही नहीं, जितना चाहेगा उसमें से वो आपको वो देगा। इस तरह जो सूरह लेल सूरह नंबर 92 आयत नंबर 4 से 7 में यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि बेशक तुम सब की कोशिश मुख्तलिफ है, पर जिसने दिया और परहेजगारी इख्तियार की और अच्छाई की तस्दीक की, तो हम अनकरीब उसके लिए उसके रास्ते को आसान कर देंगे और उसको सहूलत दे देंगे। यानी कि या तो माल से किसी ने जो मांगा और दिया तो उसके माल से दिया, या अमल से दिया, तस्दीक की, तो फिर उसके लिए आसानी हो जाएगी, उसको आसानी के रास्ते उसके अंदर मिल जाएंगे। फिर आयत नंबर 8 से 10 में फरमाया कि जिसने कंजूसी की तो हिदायत की पैरवी नहीं की और झूठलाया, अमल से झूठलाना भी होता है। एक चीज़ वो नहीं होती कि आपके सामने किसी ने कोई बात रखी कि देखो ये कुरान की आयत, पर आपने उसको कहा कि नहीं अच्छा अल्लाह की आयत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं कर रहे तो ये भी झूठलाना होता है। अमल करना भी ज़रूरी है, अमल नहीं करता कोई तो वो भी झूठलाना है। आप नहीं कर रहे और उसके बरखिलाफ़ अमल कर रहे हैं तो ये भी आयत को झुटलाना, चाहे मुंह से नहीं कह रहे हो कि मैंने कुरान की आयत को झुटलाया है, लेकिन उसके बरखिलाफ अमल किया या अमल नहीं किया वो, तो ये भी आयत को झुटलाना होता है, तो वो भी झुटलाता है। तो यहाँ पर फरमाया कि फिर झुटलाया
तो फिर उनका माल भी काम नहीं आएगा और वो फिर गड्ढे में गिरता चला जाएगा। अल्लाह ने यह फरमाया सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 18 में फरमाया कि जो कोई जल्दी चाहता है तो उसे उसमें से जिसे वो चाहता है जल्दी दे देते हैं, यानी जो जल्दी चाहता है तो हम जो वो चाहता है उसको हम जल्दी दे देते हैं। फिर हमने उसके लिए जहन्नम तैयार की है, फिर वो जलील खाकर उस खुआर होकर उसके अंदर रहेगा। तो जिसने जल्दी की यानी कि उसके लिए वो था तो सही, अल्लाह उसको रब देता, अगर वो उसके लिए कोशिश करता, सही तरीके से कोशिश करता तो रब उसको वो चीज़ें देता जो उसके लिए अल्लाह ने लिख कर दी है, वो मिलती उसको। लेकिन उसने क्या है कि उसको जल्दी की पाने की और उसके लिए धोखा किया, बेईमानी की, मिलावट की, तो उसको मिल गया जल्दी, वो मिल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, माल जमा कर लिया लेकिन उसको ये आगे का ख्याल नहीं रहा कि फिर अनकरीब वो फिर जलील होकर, या तो दुनिया में भी जलील हो सकता है, फिर आखिरत के अंदर तो फिर वो जलील होकर खुआर होकर उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जितनी कोशिश करी उतना मिल जाएगा, तो जितना मिले तो उस पर सब्र से भी काम लेना है, सब्र से भी काम लेना है, तो दोनों जगह उसमें वो फ़ायदा पाएगा। इसी तरह इसी की सूरह इसरा की आयत नंबर 19 में फरमाया कि और जो बात के दौर में मुनासिब कोशिश करता है और उसके पास वो ईमान वाला भी है तो उसकी कोशिश मकबूल है। कि जो कोशिश करता है यानी कि जो वो कोशिश कर रहा है तो सिर्फ दुनिया की कोशिश ना करे, उसके साथ में उसके अंदर हराम हलाल का भी ख्याल रखे, बेईमानी ना करे कि किसी चीज़ को पाने के लिए, और आखिरत का आगे का भी मुस्तकबिल का भी ख्याल रखे, तो फिर उसके लिए जो इसकी कोशिश मकबूल होगी। ये मकबूल कोशिश है कि दुनिया में भी अता करेंगे और उसको आखिरत में भी अता करेंगे। इसी तरह जो है यहाँ अल्लाह ने फरमाया सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 14 में, और ये जो है दुआ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन आयत। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि जैसे कोई कि एक आदमी जो प्यासा है और वो पानी के पास जाए और दोनों हाथ फैलाकर पानी से कहे कि तू मेरे मुंह में आ जा, अल्लाह ने कुरान में मिसाल बयान की, तो वो उसके मुंह में वो पानी आएगा नहीं, वो सिर्फ नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाए और पानी से कहे कि तू मेरे मुंह में आ जा तो पानी आएगा नहीं। तो पानी को लेना होगा, कुछ करना होगा यानी, तब वो पानी उसके पास में आएगा, उसकी प्यास बुझेगी, या तो उसको बर्तन में ले या हाथ में ले तब प्यास बुझेगी। तो अल्लाह का कानून है उस पर अमल नहीं कर रहे आप, जो बताया कि तुमको ये कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे ये मांगना पड़ेगा, तुम्हें मेरी किताब पर यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आखिरी अथॉरिटी, आखिरी फैसला तुमको कुरान से को सौंपना होगा और इससे तुमको जवाब तलब करना होगा, वो कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ हाथ उठा रहे अल्लाह से कि अल्लाह तू सुन ले। तो वही मिसाल अल्लाह ने दी कि वो तो फिर ऐसी मिसाल है कि वो पानी के पास जाके खड़ा हो गया और कहे पानी से तू मेरे मुँह में आ जा, कभी नहीं आएगा। तो अल्लाह ने जो कानून बताया है उसके मुताबिक अमल करेंगे और उसके बाद कोशिश करने के बाद में दुआ करेंगे तो वो फजल भी साथ में होगा, फिर तब उसकी वो दुआ कबूल होगी। तो कोशिश के साथ में उसको पुकारना है, और खाली पुकारना वो बेकार है, फिर पुकारना तो खाली पुकारना किसी काम का नहीं। क्योंकि पुकारा हम दो वाक़यात आपको बताऊँ मैं हिंदुस्तान यहाँ के मुसलमानों के, 1967 के अंदर जब मस्जिद अक्सा जब छीन ली गई मुसलमानों से, ऐसा कोई मुसलमान नहीं था उस वक्त के दौर के अंदर, आज तो खैर लोगों को मालूम भी नहीं, हिस्ट्री भी नहीं जानते उस कि हमारी थी भी कि नहीं, ये भी नहीं पता आज तो लोगों को, लेकिन जब छीनी गई ऐसी कोई मस्जिद नहीं होगी पूरे दुनिया के अंदर जहाँ से दुआएं नहीं की गई हो। काबे के अंदर लोगों ने गिलाफ से लिपट लिपट के उस आंसुओं से उसके जो है गिलाफ को तर कर दिया, लोगों ने आंसुओं से भिगा दिया, इतनी दुआएं की गई कि हमसे ना छीन ली जाए, मुसलमानों के पास में रहे, लेकिन उसके बाद भी वो दुआ नहीं सुनी गई, रद्द कर दी गई। दूसरा मसला हमारे हिंदुस्तान का है, बाबरी मस्जिद का, सारे मुसलमान, और इसके अंदर ऐसा कोई मुसलमान नहीं था जो ईमान के निचले से निचले दर्जे का हो और ईमान से आला दर्जे का हो, तो काबा से लेके मदीना, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसके लिए दुआ कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि वो फिर वो दुआ कबूल हुई नहीं हुई, वो मस्जिद फिर भी शहीद कर दी गई। लेकिन यह है कि उसकी कोशिश की, उस वक्त भी इतनी दुआएं की मुसलमानों ने, सारे पूरे दुनिया के मुसलमानों ने, लेकिन दुआ रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ दुआ कर रहे थे, आपने कोशिश नहीं की, अमल नहीं किया, सिर्फ दुआ पे टिके हुए, आपने अमल ही नहीं किया, आप उसको कहीं पर भी नहीं लगे। और यहाँ जब वो मसला हुआ था तो यहाँ पर हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ, उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर कई सांसद मुसलमान थे बड़ी तादाद में, और कई सांसद जो है जो वो थे विधायक थे, कई पार्षद थे। अगर ये सिर्फ एक साथ अगर अपने आप सब छोड़ देते, सब इकट्ठा हो जाते कि हम सब जो हमारा सब छोड़ देंगे, एक पद भी हम नहीं लेंगे, तो पूरी दुनिया हिल जाती। हिंदुस्तान की बात तो छोड़े आप, वही के वही जो वहाँ कांड हुआ था गुजरात के अंदर, वहाँ पर भी होता
गैर मुस्लिम उसके अंदर उन्हें अवार्ड वापस कर दिए जिनको जो दिए गए थे, कई सेना के अधिकारियों ने पुलिस वालों ने अपने जो है मेडल लौटा दिए, लेकिन मुसलमान उसके अंदर एक भी आगे नहीं बढ़ा। अगर वो छोड़ देते तो पूरी दुनिया जल जाती। तो असल यह है कि मुसलमान लालची हो चुका और वो सिर्फ लालच में फिर वो दुआ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जखीरे बना बना कर सब कर रहे हैं, तो वो दुआ कबूल नहीं होती। तो ये हम देख चुके हैं, तो सिर्फ कोशिश करना जरूरी है, उसके साथ में फिर वो दुआ कबूल होती है, नहीं तो फिर वो पुकारना बेकार है। तो कोशिश ना करे और हाथ उठाकर मांगता रहे और सोचे तो फिर वो कि फिर वो आखिरत में इकट्ठा होता रहेगा, तो वो नहीं होगा। जो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि जो दुआ कबूल नहीं होती तो फिर वो आखिरत का जखीरा बना के रख दी जाती है। तो अगर वो सिर्फ पुकार रहा है, कोशिश नहीं कर रहा, तो उसका कोई जखीरा नहीं बनेगा। वो गलत फहमी में जा रहा है वहाँ पे कि मैंने बहुत सारा पुकार लिया, रब को पुकारता हूँ रात दिन, वहाँ कम से कम इकट्ठा हो जाए या नहीं मिल रहा, बगैर कोशिश के वहाँ भी इकट्ठा नहीं होगा, कोशिश के साथ में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर ये वसूल ये बता दिया गया। और कोशिश के बाद में भी ऐसे मरहले होते हैं कि फिर क्या कोशिश करें और फिर दुआ करें, तो क्या फिर दुआ कबूल हो जाएगी? फिर गारंटी है क्या कि फिर हमारी दुआ कबूल हो जाए? तो यह है कि ऐसे मरहले भी होते हैं कि हम कोशिश करें लेकिन पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है उसका। हमने पूरी कोशिश की, एक आदमी ने खेती के लिए जब बीज बोना था तब बोया, जब पानी देना था जब पानी दिया, जब उसके अंदर खाद डालनी थी तब उसमें खाद डाली, पूरी उसने उसकी हिफाजत की, सब उसने किया, लेकिन उसके बाद में जैसी फसल पकने लगी और फिर जोड़ की बारिश हो गई। अब ये उसके इख्तियार भी नहीं था, दुआ भी कर रहा था, मेहनत भी पूरी की थी, लेकिन ये मसलियत है अल्लाह के हाथ में, बर्बाद हो गई उसकी फसल। या उसने सब कर दिया, बीज बो के बैठा हुआ कि बस बारिश आएगी और ये कोपले फूट जाएंगे, बारिश ही नहीं हुई, उसका बीज ऐसे खत्म हो गया अंदर। तो वो अल्लाह के हाथ में उसका रिजल्ट, तो उसका कंट्रोल, तो उसके कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है। तो उसको ये कि कोशिश तो करना है, पूरी पूरी कोशिश करना है, साथ में अल्लाह का फजल भी चाहिए, तो कोई चीज़ उसकी कबूल होगी और उस पर अमल कर सकता है। इसी तरह अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 39 के अंदर कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे इतनी बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला और कबूल करने वाला है। यहाँ पर है कि दुआ सुनने वाला है और कबूल करने वाला है। और इसी तरह जकरिया अलैहि सलाम के ताल्लुक से भी आता है कि उन्होंने भी दुआ की, अपने रब को पुकारा, तो उन्होंने जो उनको बुढ़ापे के अंदर जो औलाद दी। तो कोशिश के साथ, उम्मीद और ये दुआ के अदब में से, कोशिश के साथ में वो किया जाए तो फिर दुआ सुनता है। इस तरह सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 56 में फरमाया कि और ज़मीन में उसकी इसलाह के बाद फसाद मत करो और उससे डरो और तमा के साथ उसको पुकारो, और अल्लाह की रहमत नेकोकारों से करीब है। यानी शर और खैर के दोनों पहलू को आप देखें उसके अंदर, उसके बाद उसको पुकारें। यानी कि आप खैर ही खैर का पहलू देख रहे हैं और आपने उससे मांग लिया रब से, और उसके आपके जो मुजीर असरात थे कि ये चीज़ आने से आपके पास में क्या क्या नुकसान होंगे, और आपने मांग लिया, फिर कह रहे कि अल्लाह तुमने दिया तो सही पर नुकसान हो गया। तो आपको शर और खैर दोनों पहलू और ध्यान में रखकर फिर अल्लाह से मांगे, तो मांगते वक्त उसके अंदर ये भी ख्याल रहे कि देखो रब मुझे चाहिए तो सही, लेकिन भले मुँह से ना कहें लेकिन दिल के अंदर होना चाहिए कि खैर हो तभी मेरे लिए देना, जिसमें तू मेरा खैर चाहता है तब देना, तब मांगेंगे तो असल दुआ जो अल्लाह की रजा के साथ में हम उस दुआ को मांगेंगे। इस तरह जो सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 55 में फरमाया कि अपने रब को आजीजी और चुपके चुपके से पुकारो और उसे हद से बढ़ने वाले पसंद नहीं है। एक वसूल और एक यहाँ पर बताया कुरान के अंदर। अब लोग जो है इसके अंदर, यहाँ तो ये बताया, लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि लोग जो दुआ के लिए जाते हैं, कई इस्तीमे होते हैं हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े इस्तीमे होते हैं, वो इस्तीमा 7 दिन से चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, लेकिन वो बोले नहीं आखिरी में जाएंगे, बोलो दुआ में शामिल होने जाएंगे। अब वो कई किलोमीटर का सफ़र करके सिर्फ दुआ में जा रहा है, वो दुआ जाकर सुनता, अरे क्या हजरत ने दुआ की, 3 घंटे तक दुआ की हजरत ने, वो दुआ के लिए वो सफ़र कर रहे हो जा रहे हैं। अब लेकिन ये कि कुरान कहता है कि दुआ मांगो खुफिया, चुपके चुपके से, और हद से आगे मत बढ़ो, वो पसंद नहीं है अल्लाह को, तो खुफिया मांगने को कहा गया। तो ज़रूरत क्या है कि तुम्हारी ज़रूरत है तो खामोशी में कहो अल्लाह से, दिल में ही कहो, वो तो दिल के राजों को जानता है, उसके लिए जुबान की भी ज़रूरत नहीं, आप दिल में कहो तो सुनेगा। तो उसके बाद में ये फिर जो है ये ड्रामा, दुआ का ड्रामा भी आजकल ऐसा ही हो गया जैसे इस्तिखारा का ड्रामा है, टीवी के ऊपर बैठ कर लोग इस्तिखारा बता रहे हैं, फला अमल बता रहे हैं, और ये दुआ का ड्रामा भी ऐसे ही हो गया, ये भी एक तरह से ड्रामा है जिसके अंदर जो है लोग दुआ के लिए जाते हैं। तो दुआ अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद को मालूम है, दूसरा उसकी कैफियत नहीं मांग सकता। आप दूसरे से कहें कि हजरत मेरे लिए आप दुआ कर दी, मेरे लिए परेशानी है, लेकिन वो कैफियत नहीं ला सकते, वो सिर्फ कह सकते हैं कि अल्लाह इसके लिए इसके हक में मैं दुआ करता हूँ कबूल कर ले, लेकिन उसको जो अंदर जो तड़प है, दुआ का ताल्लुक दिल से है, उसके दिल में जो तड़प है वो तड़प दूसरे के अंदर पैदा नहीं हो सकती। दर्द एक आदमी का दूसरा आदमी महसूस नहीं कर सकता है, जिसको दर्द हो रहा है
एक आदमी कह रहा है मेरा पेट दुख रहा है, तो दूसरा कहता है उसकी शक्ल देख के वो मालूम कर सकता है उसके एक्सप्रेशन से कि हाँ बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या उसके दर्द को महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता, 5% भी महसूस नहीं करेगा। ज़्यादा नरम दिल होगा तो उसके दर्द को देखकर रोने लग जाएगा खुद, लेकिन उसका दर्द तो महसूस नहीं कर सकता। तो दर्द उसके अंदर है तो वो खुद दुआ करे अल्लाह से, दूसरे से कहने से क्या होगा, वैसे उस दर्द से थोड़ी दूसरा उसकी दुआ मांग सकता, उसके मसाइल को वो नहीं कर सकता। तो एक उसकी जो खुद मांगेगा तो उसकी कैफियत अलग होगी बजाय वो दूसरे से। तो खुद की परेशानी हम खुद जानते हैं, दूसरा कैसे जानेगा? तो खुद करीब है, वो कह भी रहा है कि अल्लाह करीब है, उसके बाद फिर दूसरे से कह रहा है कि तुम मांगे। और नेक हाँ ये मांग सकते हैं, मना नहीं है कि क्या किसी से कहीं नहीं कहा, नहीं तो हम कहते रहते हैं तो हमारा तकिया कलाम हो गया, जैसे ही जुदा हुए दुआ में याद रखना, मैसेज भी चलते रहते हैं दुआ में याद रखना, बात खत्म हो गई दुआ में याद रखना कहते रहते। अब दुआ में क्या रात वो ना तो वो याद रख रहा है तो फॉर्मेलिटी हो गई, कोई याद नहीं रख रहा वो भी, और ना आप याद रख रहे, कोई नहीं रख रहा, भूल जाते हैं बस, वो उधर पलटा इधर पलटा बात खत्म हो गई, कोई याद नहीं रख रहा। गलती से भी मेरी समझता हूँ कि कुछ होंगे लोग, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि 100 में से 99 लोग भी कभी ऐसे हों कि यार वो जिसने मुझसे कहा ना दुआ में याद रखना, अल्लाह जो जो उनकी अच्छी चीज़ें हों उनकी सब कबूल कर लेना, कहा क्या किसी ने आज तक? नहीं कहा, बस कह रहे हैं, बस जुमलेबाजी चल रही दुआ में याद रखना। दूसरे नेक कोई आदमी है आप उससे कह सकते हैं, मना नहीं है आप कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में भी कभी कभार सहाबा आते थे, लेकिन कभी कभार, हर सहाबा के ताल्लुक से नहीं मिलता, नहीं तो हमको बहुत सारी रिवायत मिलती है, आपको बहुत कम चंद रिवायतें मिलेगी जिसके अंदर अल्लाह के रसूल किसी ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल, एक तो आपको मिलता है एक अंधी एक औरत थी या शख्स था, तो उनने आकर कहा था अल्लाह के मेरे लिए दुआ करो, तो अल्लाह के रसूल उनसे कहा कि नहीं तेरे लिए बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं फिर भी अल्लाह के रसूल करो, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी करता हूँ लेकिन तू भी कर, ये वसूल बताया, क्योंकि यहाँ अल्लाह के रसूल ने बताया कि देखो मैं भी करता हूँ लेकिन साथ में तुम्हें भी करनी होगी, मदद कर तू सजदों के जरिए से। तो यानी कि दुआ के लिए एक और वसूल वहाँ से मिलता है कि सजदों के जरिए, यानी कि नमाज़ पढ़ के दुआ मांगी जाए, ये भी वसूल है कि आप नमाज़ पढ़ के फिर उसके रब की तारीफ बयान करके उससे दुआ मांगे। तो अल्लाह के रसूल ने कभी कभार किया करते थे, लेकिन हमेशा का अमल नहीं है, नहीं तो होता तो हमारे बहुत सारी हदीसें होती कि इनसे अल्लाह के रसूल ने दुआ की, तो साहब बार बार आते रहते। ये तो वो लोग अल्लाह के रसूल ने दुआ कहते थे जो दूर दराज से कभी कभार कबीले लेके आते थे, तो वो कहा करते कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ कर दो, नहीं तो बाकी का तो अमल हमको नहीं मिलता। तो हम जिससे कह रहे हैं तो उसके वो फिर जिससे हम कहेंगे हमारे लिए दुआ कर दो तुम, तो उसको आपके बारे में मालूम भी तो होना चाहिए, बस आप कह देंगे दुआ कर दो तो उससे बात नहीं होगी, अब वो खुद मांगेंगे तो बात होगी, और वो भी अकेले में मांगे। अगर दूसरे भी कह रहे हैं तो उसको भी चाहिए कि वो आपके लिए मांगना, और इतनी मोहब्बत है कि आपके लिए दुआ मांग रहा तो अकेले में मांगे, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ कहा ही है कि खुफिया दुआ मांगे चुपके चुपके, तो अकेले में मांगे, वो आपसे इतनी मोहब्बत है तो लोगों के सामने नहीं मांगे। तो अब हमारे यहाँ पर तो क्या है कि वो घंटों दुआ चली जा रही है, और यहाँ पर ये हो गया कि लोग अकेले मांगने की बजाय, कुरान का तो उसूल था कि अकेले मांगे, अब इज्तिमाई मांग रहे सबके सामने, वो नाम की पर्चियाँ आ गई लंबी लिस्ट, वो लिस्ट में से नाम पढ़ते जा रहे हैं अब्दुल्ला रज्जाक फला ये अल्लाह इसकी भी कबूल कर इसकी भी कबूल कर, वो लिस्टें चली जा रही, फिर दूसरी आ रही, वो जुबानें सूख गई पानी पी पी के दो नाम ले जा रहे हैं उनके सारे, ये दुआएं की जा रही और वो दुआएं मांग रहे दो दो घंटे उसके अंदर बोलते जा रहे हैं, वो जितनी लंबी करे दुआ उसका रुतबा इतना बड़ा, जितनी लंबी लंबी दुआ मांगता हो तो उसका ज़्यादा वो हो जाता है। अब उसके बाद उस जितना लंबी दुआ करेगा रुतबा भी बढ़ेगा और नजराना भी बढ़ेगा, दोनों काम होंगे, नजराना भी बढ़ेगा, लिफाफे भी आएंगे बड़े बड़े मोटे मोटे, तो इसलिए वो लंबी लंबी खींचते। और लोगों ने तो इसको याद कर लिया, वो याद कर लिया अच्छे अच्छे जुमले शायराना अंदाज से दुआ करते हो, ताकि लोगों को क्या है कि जरा वो नहीं हो, उसके बाद फिर लोग रो रहे हैं, दुआएँ हो रही है, लाइटें बंद कर दी जा रही, फिर उसके अंदर पुकार रहे हैं रब को, फिर रो रहे हैं, रुला रहे हैं, मतलब उनको अब वो उसके अंदर वो बेचारा बैठा हुआ जाके किसी को बिठा दिया अनजान, बोले दुआ होगी, रो वो रोने के लिए, अब वो नहीं इसलिए नहीं रो रहा कि उसको रब की याद में रो रहा, वो चलो जो दुआ करवा रहा वो तो रब की याद में रो रहा होगा, वो समझ में आ रहा, बाकी जो बैठे हुए उसको तो पता भी नहीं कि रब की याद, वो तो वो दूसरों को देख के रोने लग गया कि इतने सारे रो रहे यार, तो उसको देख के रोना आ गया। जैसे हरम में देखिए आप जब वहाँ पर तरावी होती है तो उसका लाइव आता है टीवी के ऊपर, देखा होगा आपने, कई लोग रोते हैं उसके अंदर, अब वो उसके अंदर जो इंडोनेशिया वाला वो भी रो रहा, हिंदुस्तान का भी रो रहा, बांग्लादेश का भी रो रहा, और अब यहाँ से गए मद्रासी चेन्नई से, अब वो किसी को समझ में ना तो अरबी में किरात कर रहे, और उनको समझ में आ रही वो बात तो कि क्या उसका रब कह रहा है, और उनको समझ में आ रही तो वो रो रहे, अब ये बाकी भी रो रहे, इनको समझ में भी नहीं आ रहा फिर भी रो रहे, तो क्यों रो रहे? वो उनकी आवाज़ को सुनकर, रोने की आवाज़ को सुनकर ये रो रहे, तो असल ये रोने की कैफियत नहीं, वो तो देख कर रो रहे, ये रोना मकसद नहीं, ये तो जज्बात में रोना हो गया।
असल जो है रब से गिड़गिड़ा के चुपके चुपके खुफिया तरीके से तब जाके वो रोना असल, वो रो के मांगेंगे तो फिर वो करेगा। लेकिन ये है कि इसको भी आजकल ऐसा बना लिया गया है कि इसके लिए कुछ नौटंकी भी कर रहे हैं, वो ऐसी नौटंकी होती है और जिसके अंदर अब ये भी इसलिए भी हुआ कि लोगों ने अब दुआ मांगना ही छोड़ दिया, जो कुछ करना है कि इमाम साहब करेंगे वही मांगेंगे, बस इमाम साहब से दुआ करो। लोग आदत ऐसी हो गई कि लोग हर नमाज के बाद दुआ, हर नमाज के बाद दुआ, और वही जो है रटा रटाए जुमले और बैठ गए वो और उधर से वो चालू हो गए रब्बाना आतीना फिर दुनिया आमीन 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 चलो, और फिर लोग जाते भी नहीं है कि इतनी दुआ अजकार नहीं पढ़ रहे, सुन्नत नहीं पढ़ रहे हैं पर दुआ, और वो आज ये बन गया। तो इस तरह से और ये तो ये है कि आजीजी फिर उनके अंदर आजीजी नहीं होती, आप दूसरे से करवाएंगे उनके अंदर आजीजी नहीं होगी। और अल्लाह ने कहा कि आजीजी से वो चुपके चुपके से वो जो है फिर खुफिया तरीके से खुफिया जो है दुआ मांगे। अब ये जो दुआएं इतनी दुआएं के जो इतने बड़े बड़े इस्तेमाओं में और सबके अंदर दुआएं हो रही हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर आजकल जो जितना ज़्यादा लंबी लंबी दुआ करता है कब्रिस्तान में दफन करने के बाद में मुर्दे के लिए जो जितनी अच्छी दुआ करता है तो इतना ज़्यादा उसका नजराना पड़ता है, तो इसकी वजह से दुआएं बढ़ती जा रही, लोग परेशान होने लग गए, बहुत से तो मौलाना को देख के भागने लग गए। कई बार मैं गया तो उन्होंने देखा कि बोले उन्होंने जैसे ही देखा कि अरे अजान हो रही, नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहे हैं लोग, अजान दे रही है, अजान दे रहे, उन्होंने देखा रही है मौलाना, बोले चलो। मैंने क्यों, अरे ये तो आधे घंटे पहले छोड़ेंगे नहीं, इतनी लंबी दुआ करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बांध लिया उसके अंदर। तो अब ये क्या, वो आपको उससे लेने रिलेशन ही नहीं था ना, आपका कोई रिश्तेदार था उसके लिए आप दुआ कर रहे, तो क्या होगा उससे। तो ये खाली भीड़ इकट्ठी करने के लिए दुआएं जो आज मांगी जाती हैं। इस तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 में फरमाया कि और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो उन नामों से उसको पकारो, उन्हें छोड़ दो जो कजरवी इख्तियार करते हैं, वो सजा पाकर रहेंगे। यानी जो नामों में झगड़ते हैं उनसे आप उसको छोड़ दो, और अल्लाह के सिर्फ 99 नाम नहीं है, ये तो सिर्फ हमको बता दिए गए। इस तरह जो अल्लाह ने फरमाया सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 12 में फरमाया और इंसान को जब तकलीफ पहुँचती है तो लेटे बैठे खड़े हमें पुकारता है, और फिर जब हम उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो इस तरह गुजर जाता है गोया कि उसने हमें किसी तकलीफ में पुकारा नहीं था, ऐसे हो जाता है। तो इंसान भूल जाता है कि बाद में कोई आपको परेशानी है बीमार है तब तो पुकारता है, तब तो नमाजें पढ़ रहा है, सादा था अच्छा तंदुरुस्त था तब नहीं पढ़ रहा था, बीमार हो गया तो फिर वो जो है टेके टेके भी पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा, लेट के पढ़ रहा, एक अब मुसीबत के अंदर है। लेकिन जब ठीक हो जाता है और फिर जब गुजरता है मस्जिद के सामने से तो फिर अजान भी सुनी नहीं देती उसको, ऐसे ही गुजर जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि फिर ये जब निकलता है तो फिर ये एहसान फरामों से, फिर क्योंकि अल्लाह से ताल्लुकात आपको रखना पड़ेगा, ताल्लुकात उससे रखें, एहसान फरामोशी ना करें। जैसे अब रमज़ान में देखें, रमज़ान के अंदर हर आदमी जा रहा है नमाज के लिए, पांचों वक्ता, बल्कि नफिल भी पढ़ रहा है एक्स्ट्रा, फिर तरावी में भी खड़ा रहता है, 20-20 रखा, जहाँ 8 और 8 के लिए खड़ा, जहाँ 20 और 20 के लिए खड़ा, अब वो भी खड़ा हुआ क्यों, अब ये 5 वक्त जा रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है मुसीबत है उसके ऊपर, भूख लग रही है भूखा है, अब तकलीफ है तकलीफ में है तो 5 ही वक्त दौड़ रहा है, और अल्लाह की रहमत भी है महीने के इसलिए भी दौड़ रहा है, लेकिन तकलीफ है मैं तो दौड़ रहा है। और जब जैसे ही ये तकलीफ दूर होगी पेट भरा जाएगा नया लिबास आ जाएगा तो ईद के दिन ही कहेगा अरे नहीं पढ़ना, इसमें सहल आ जाएगा, लिबास में सहल आ जाएगा, अब नहीं पढ़ना ईद के दिन नमाज, फिर अगले साल देखेंगे रमज़ान के अंदर छोड़ देता है। तो ये वही बात अल्लाह ने कही कि फिर वो गुजर जाता है, ऐसे ही चला जाता है, फिर वो जो हमें याद नहीं करता। पर जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53 में कि कह दो मेरे बंदों से कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को ढाँप देता है, बेशक ढांपने वाला और रहम करने वाला है। लेकिन उसके आगे भी फिर ये फरमाया, यहीं पर ना ये आदमी लास्ट में जाकर आपने सोचा कि चलो इतनी सारी दुआ की बात बताई और आखिरी में बता दिया कि कितने ही गुनाह हो जाए रब तो सबको ढाक देगा, इसके बाद क्या आए थे आप घर जाके पढ़े, आयत नंबर 53 है सूरह झुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53, आगे आपको उसके अंदर मिलेगा कि उसने कहा कि फिर देखो मैं करता तो हूँ लेकिन मेरी तरफ पलटना पड़ेगा, वो क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको कंटिन्यूस उसके अंदर मिलेगा, तो वो आपका काम है वो आप उसमें तलाश करें। तो ये उसकी सिफत है कि वो रहमान और रहीम है गफूर है, और असल तो ये है कि कुरान से हम जुड़ जाएँ और अमल के साथ जुड़ जाएँ, और अमल से ऐसे जुड़े अगर उसके साथ जुड़ गए तो ये जो आपको तकलीफ आती है बार बार दुआ करनी पड़ती है, और असल में आपने कुरान को अपनी आखिर अथॉरिटी बना लिया और वाकई में आपने मान लिया कि अल्लाह का कलाम है और ये इससे आप जुड़ गए और इसको आपने अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आए तो आपको ये तकलीफ परेशानी आएगी नहीं, आना ही नहीं है, क्योंकि जो इससे जुड़ा
उसके बाद उसको फिर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं, वो रब के साथ जुड़ गया, रब के कलाम के साथ जुड़ा, तो फिर ये तकलीफें आना ही नहीं उसको। और इसके ताल्लुक से तो कई कुरान की आयत भी हैं कि उसको तकलीफ महसूस होना बंद हो जाती है, आती भी है तो उसको लगता ही नहीं। दूसरे कहेंगे अरे कितना गुर्बत में रहता है, कितना गुर्बत में रह रहा है, पंखा नहीं इसके घर में, हाथ से जलता है लेकिन फिर भी रब की इबादत में लगा रहता है। क्योंकि उसको वो तो कोई जाके उसको बताता कि यार कैसे रहते हैं आप, हम तो बगैर कूलर एसी के रह नहीं पाते, आपका कूलर कुछ पंखा भी नहीं है, आप उसके आराम से रहे। तो एक तो हाँ, उसको जब याद आता है कि यार मेरे पास पंखा नहीं है, क्योंकि वो रब से जुड़ा हुआ, रब से ताल्लुक है उसका, रब से ताल्लुक। अब ये कोई सूफिया वाली बातें नहीं है, आप सोच रहे तो सूफिया वाली बातें हो रही है, सब तसव्वुफ की बातें चल रही है ऐसा लग रहा है। ये कुरान, कुरान के अंदर गौर फिक्र करेंगे तो मिलेगा उसके अंदर सब चीज़ें आपको, उससे ऐसे जुड़ जाएंगे तो फिर आपको तकलीफ भी महसूस नहीं होगी। दूसरा बताएगा कि तकलीफ है तब आपको लगेगा कि तकलीफ, अब हाँ वाकई में तकलीफ, उसको जब मालूम पड़ेगी नहीं तो तकलीफ महसूस नहीं होती उस रब से अगर वो जुड़ जाता है। तो ये है कि इसके अंदर हर, क्योंकि ये कुरान के ताल्लुक से तो खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शिफा है हर चीज़ की, ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसकी शिफा नहीं, ऐसी कोई दुनिया की परेशानी नहीं जिसकी शिफा नहीं। तो तमाम जितने भी मर्जी है हर मसाइल के इसके अंदर शिफा है। तो फिर इसकी है कि ज़रूरत किस बात की है कि हम जो है क्या करें कि इससे जुड़ जाएं। दुनिया से कुछ पाना हो, आखिरत में कुछ पाना हो, रब से कुछ पाना हो, सुकून चाहिए, अमन चाहिए आपको, दिल घर के अंदर सुकून चाहिए, माशरे में सुकून चाहिए, अपने आप को इससे जोड़ दें, इसके अंदर गौर फिक्र में लग जाए, तो सब चीज़ें परेशानियाँ आपकी जो है वो उड़ती जो है ख़त्म होती चली जाएगी। और अल्लाह ने तो कहा भी कि कुरान जिसके ज़रिए से हम लोगों को उठाते हैं, वो जिसको छोड़ देते तो हम उसको भी छोड़ देते, वो फिर गिर भी जाता है, अब उसको गिरा भी देते हैं तो इससे उठता जाता है, छोड़ते तो गिरते हैं। तो यही जो है ये हक के, ये रब के, रब ने जो हक के साथ में दिया है, और फिर इसका हक ये है कि रख, अब इसको हम अगर सबसे ऊपर नहीं रखते, गौर फिक्र नहीं करते, तो फिर हमने हमारे रब का हक अदा नहीं किया। अल्लाह ने तो हक मांगा है कुरान के अंदर कि लोगों ने एक तो मेरी कदर नहीं की जैसा कदर करने का हक था, तो रब का हक क्या है वो भी तो तलाश करना पड़ेगा। वो तो कुरान में बताया अल्लाह ने कि मेरा हक क्या है, तो उसका हक भी हमको अदा करना है। तो ये अगर हम इससे जुड़े होते आज ये मसाइल मुसलमानों के नहीं होते। तो ज़रूरत ये हो, कोई ज़रूरत भी ना हो, कोई परेशानी हो तो भी इससे जुड़ना है, क्योंकि आखिरत में भी हमको, तो जो ज़रूरत से इससे जुड़ गया तो ये ज़रूरतों को ख़त्म कर देगा, आपकी ज़रूरत है तो उसको भी ख़त्म कर देगा। तो दुआ के सिलसिले में कोशिश करें कि जो मिलेगा तो वो अल्लाह की फजल के साथ में उससे मांगे, और मिलने के बावजूद भी उसके अंदर ये देखें कि खसारा ना हो, वो भी दिल के अंदर रखें, उसे पुकारे मिलेगा, लेकिन सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कहीं नहीं भी मिला तो ये रखें कि मसीहत उसकी जो है मशीयत कुछ और थी, तो अपनी मशीयत के तौर पे उससे ना मांगे, तो रिजल्ट उसके पास में आना है। तो दुआ के सिलसिले में चंद बातें जो मैंने रखी, आखिर में अल्लाह से दुआ कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पे जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे साल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी, अल्लाह से राजी, आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबी आलमी।